नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है इवनिंग एजेंडे का। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरे और ताबड़तोड़ प्रचार किया। जशपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया तो वहीं कुनकुरी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। रायगढ़ में ओपी चौधरी के पक्ष में रोड शो किया तो वहीं ग्वालियर में अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। ये चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जशपुर, कुनकुरी, रायगढ़ और ग्वालियर की, जहां पर अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया और हर मंच से वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। कार्यकर्ता उत्साहित थे, खूब नारेबाजी हुई अमित शाह के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अमित शाह जहां जहां गए वहां वहां से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो ये चार तस्वीरें दिखा रही हैं कि बीजेपी तूफानी अंदाज में प्रचार कर रही है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और अमित शाह के चुनावी प्रचार की ये चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जशपुर, कुनकुरी, रायगढ़ और ग्वालियर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जशपुर के बगीचा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के 5 साल के अंदर प्रदेश नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो सभी को बारी बारी अयोध्या दर्शन कराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। माताओं, भाई और बहनों, राहुल बाबा हमें कहते थे ये तिथि कब बताओ। लो राहुल जी बता दी, 22 जनवरी 2024। मुझे मालूम है आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर बगीचा वालों आप सभी लोग जाएंगे ना, जरा जोर से बोलो जाएंगे ना। एक कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है, यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे, उसको सुरक्षा। माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। ये जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़। अंतर क्या होता है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा, महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई, शर्म करो, सम करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें गपला, आवास भेजे उसमें गपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें गपला। हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा, कौन करा, भूपेश कक्का। पूरा
छत्तीसगढ़ कर रहा है, सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मानो एक घर में दो विवाहित महिलाएं हैं तो 24000 रुपया मिलेगा। एक घर में अगर तीन विवाहित महिलाएं हैं तो 36000 रुपया मिलेगा, और अगर किसान का घर है तो और 12000 रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया। मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया है, और हमने तय किया है कि 18 लाख लोग छूट गए हैं, ये 18 लाख लोगों को भी घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, तेंदूपत्ता संग्रह करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को रमन सिंह की सरकार शरण पादुका देती थी, इन्होंने बंद कर दिया। हम चरण पादुका तो देंगे और तेंदूपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानांक पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ 4500 रुपये का बोनस भी देंगे, और हमने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर 550 रुपये में हर माता को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का ने ढेर सारे भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही हजारों करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया है, जांच आयोग बनाकर भ्रष्टाचार करने वाले सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाकर रोजगारी देने का निर्णय किया है, और साथ साथ में हम 1 लाख सरकारी पदों की नियुक्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ वालों, मुझे बताओ, इस देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार में रोज पाकिस्तान से घुसपैठिए आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते। मोदी जी के समय में भी पूरी और पुलवामा में घुस गए, हमला किया, मगर मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी।
छत्तीसगढ़ नक्सल क्षेत्र से भरा हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी कुछ जिले नक्सलवाद का दंश भोग रहे हैं। मैं कहकर जा रहा हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए, 5 साल में हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, समाप्त करने का। जशपुर के बगीचा के बाद कुनकुरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। माताओं, भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहती? नरेंद्र मोदी जी ने न केवल 370 हटाई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साई को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, कमल फूल की सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वही रायगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो के दौरान अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने ओपी चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर अमित शाह ने रायगढ़ की जनता से कहा कि आप ओपी चौधरी को विधायक बनाओ, हम और हमारी पार्टी इन्हें बड़ा आदमी बनाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। ग्वालियर श्रीमंत राजमाता साहब की भूमि है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, यहीं से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की उदय की कहानी शुरू हुई। राजमाता साहब का वात्सल्यपूर्ण नेतृत्व सालों तक भारतीय जनता पार्टी के न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के कार्यकर्ता को मातृशक्ति की तरफ प्रेरित करता रहा और अटल जी ने यहीं से निकलकर देश भर में घूम घूम कर पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी बने। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम का भी स्टेटस दिया है और एक ग्वालियर घराने ने भारतीय संगीत में कई राग रागिनियां जोड़ने का काम ग्वालियर घराने ने किया है। ये सभी कलाकारों को मैं आज प्रणाम करता हूं।
मित्रों, आज ज्योतिरादित्य जी ने यहां पर ग्वालियर के विकास की ढेर सारी बातें की है, परंतु मैं आज यहां आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप जब 17 तारीख के चुनाव में कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, ऐसा मत समझिए कि प्रद्युमन तोमर जी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। भाई और बहनों, आपका एक वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में आने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालने की सरकार। भाई और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडिया मोमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था